ये निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी क्या अपनी इसके नीचे आ गया, पुरानी वाली ग्रीन कैंडल के? नहीं आया, अभी भी सपोर्ट पे बैठा हुआ है। आपको नहीं लगता ये सपोर्ट छूटना जरूरी है निफ्टी का? यस, क्या लगता है ये सपोर्ट छूटना जरूरी है इसका? देखो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये सपोर्ट अभी छोड़ ही नहीं रहा। इसके नीचे आना चाहिए मार्केट को या नहीं? वेट करना चाहिए मार्केट को, उसके नीचे आ जाना चाहिए। अगर मार्केट उसके नीचे आएगा तब मार्केट अपनी सेलिंग देगा। ये देखो, समय बाहर आ गया। ये हाई, ये लो, ये निफ्टी बैंक कहां बैठा है? बीच में, ना तो ऊपर ना नीचे इंडिकेशन में, राइट है? अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये कहां पर बैठा है? सपोर्ट पे। मार्केट का ये एक मूव है, ये एक मूव है, और इस मूव की ये वाली एक ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन इशू ये है, इस वाली को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे इस वाली को, कोई बता दे प्लीज। ये इनसाइड इस है, वाली ग्रीन को क्यों नहीं मानूंगा? इनसाइड बार है। तो मेरा इनसाइड सेलिंग किसके नीचे है? मेरी सेलिंग किसके नीचे है? यस, एनीवन? इस वाली के नीचे, राइट वाली। है? तो मार्केट अगर उसके नीचे आएगा तो मेरी सेलिंग होगी। और बैंक निफ्टी में कहां पर है सेलिंग? यस, कोई भी बताए। इस लो के नीचे, राइट है? तो हमने दोनों अपने पैरामीटर लगा के छोड़ दिए हैं। अब देखते हैं मार्केट करता क्या है। मार्केट अभी गया नहीं है बाय में भी ना सेल में। अब मार्केट अपना कहां से रिएक्शन लेता है? हाँ, एक कंडीशन ध्यान में रखना प्लीज, कि अगर मार्केट क्लाउड के ऊपर निकल गया, 5 मिनट में क्लाउड के ऊपर निकल गया, तो फिर मैं सेलिंग के लिए नहीं जाऊंगा, राइट है? ये क्लियर रखना बिल्कुल। तब मैं नहीं जाऊंगा सेलिंग के लिए, तब मैं बाई का ही वेट करूंगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ये मैं सारी मारामारी सेलिंग की तब तक करूंगा जब तक क्लाउड के नीचे है। एक बार अगर मार्केट क्लाउड के ऊपर चला गया, फिर मैं सेलिंग के लिए मारामारी नहीं करूंगा, फिर मैं बाई साइड ढूंढूंगा, अपना मैं डिसीजन चेंज करके बाई साइड में चले जाऊंगा। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है। यस, देखे क्या मार्केट अब ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन ये सपोर्ट टूटना बहुत जरूरी है कि नहीं है? यहां तक आने के लिए, नीचे तक आने के लिए आपको नहीं लगता एक कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए पहले? यस, क्या बोलते हैं? ध्यान से देखें इसको, दोबारा देखें। मार्केट 5 मिनट में क्या कर रहा है? ये सपोर्ट लेवल है। ये कौन सा सपोर्ट लेवल है, कोई भी बता दे कौन सा? 1 डे का सपोर्ट है ना जी सर, ये, टूटना जरूरी है डे का सपोर्ट या नहीं? जी सर, यस, डे का सपोर्ट टूटना जरूरी है। अगर डे का सपोर्ट टूटेगा तब मार्केट नीचे आएगा। टूटना शुरू हो गया कि नहीं? जी सर, यस, हो गया। मार्केट आपको, आपके डिसीजन अगर सही होगा तो मार्केट आपको पैसे देना शुरू करता है। अभी यहां पर देखो, ये कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए या नहीं, कन्वर्जन लाइन? अगर आप यस थोड़ा ध्यान से देखते तो मार्केट ने कन्वर्जन लाइन को छोड़ा नहीं था। देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, अभी चौथी कैंडल चल रही, अभी भी छोड़ा नहीं ना मार्केट ने, नहीं सर, या छोड़ दिया? अभी मार्केट ने छोड़ा नहीं है। देखो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने ट्रेड नहीं छोड़ा और इसने कन्वर्जन लाइन को नहीं छोड़ा, राइट है? और मैं चला रहा हूं ट्रेड को आराम से। अभी चेक कीजिए, मेरी कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए। एक पॉइंट और भी है जो आपने नहीं सीखा होगा और वो पॉइंट में आपके नहीं आया होगा, कि जब कोई सपोर्ट लेवल होता है ना, ये सपोर्ट लेवल, ठीक है, और मार्केट इसके यहां पर आ रहा है, तो जब तक कैंडल इसको छोड़ ना दे, छोड़ने का मतलब इस लेवल से ऊपर कहीं उठी होनी चाहिए, राइट? मतलब इसको टच नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज एक कैंडल बनी यहां से टच होके, इसको नहीं, मार्केट इसके ऊपर हो कहीं पर, यहां से बाय शुरू होता है। ये भी एक काम है, छोटे है तरीके जिनसे आप पता कर सकते हो कि कैसे मार्केट को एक बाय साइड सेल साइड डिसाइड होती है। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो इस पॉइंट को और इसको समझने की कोशिश करो। देखो मार्केट के अंदर ये आपका टच है कन्वर्जन लाइन से, राइट? यस ये सर, भी टच है कन्वर्जन लाइन से, ये भी टच है, ये भी टच है कि नहीं? सारे टच है। आप बताएं कौन सी ऐसी कैंडल है जिसने कन्वर्जन लाइन को टच नहीं किया हुआ नीचे है? कोई भी नहीं, इन चारों में से कोई भी नहीं है। अब नहीं मेरी सर, नई कैंडल खुलनी चाहिए, अब मेरी नई कैंडल खुलनी चाहिए, और वो कैंडल कहां पर होनी चाहिए? वो कैंडल इसके नीचे ओपन होनी चाहिए, मतलब इससे टच ना हो। ये पॉइंट समझ गए? जी उस सर, कैंडल से नीचे चलना मार्केट शुरू होगा। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है
दिमाग में आया तो मैंने उसे बता दी तो ठीक है। पॉइंट है छोटा सा, अभी आपका मार्केट के अंदर एक सेलिंग नहीं आई है, डेवलप नहीं हुई है, राइट। इसको पीछे हम जरा 2 मिनट के लिए चेक करते हैं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कहीं पर भी। चलो ये था, इसी पे पकड़ते हैं। ये देखो यहां पर क्या हो रहा था, ध्यान से चेक करना। ये मार्केट यहां पर आया, ये सब इनके लाइन से टच कर रहा है, ये क्लाउड में था, इसे छोड़ दे। ये मार्केट ने देखो ये टच हो रखा है, इसमें मैं सेल नहीं करूंगा, मैं सेल किस पे करूंगा, ये छोड़ दिया ना मार्केट ने इसको। यस, देखा आप लोगों ने, ये कन्वर्जन लाइन को छोड़ चुका है, कोई टच नहीं है, तो इससे मैं सेल कर सकता हूं। ये भी छोटा सा पॉइंट है, आप चाहो तो इसको भी अपनी ट्रेडिंग के साथ में रख सकते हो, कहीं पर भी किसी जगह पर, बाय में सेल में कहीं पर भी आप रखें इस पॉइंट को, ये आपके काम में आएगा कभी भी सेलिंग करते हुए या बाइंग करते हुए। इन पॉइंट्स को आप बाइंग साइड में भी रख सकते हो इसी पॉइंट को। देखो यहां पर देखो आपकी कौन सी ऐसी कैंडल है जिसने टच नहीं किया हुआ, यहां से ये देखो ये टच हो रखी है, ये टच हो रखी है, ये भी मेन टच है, आप यहां से बाय करोगे इस वाली कैंडल से। छोटा छोटे पॉइंट है, इनको काम करेंगे तो मार्केट हमें सही पॉइंट पकड़ा देता है। देखो क्या हुआ, क्या कोई कैंडल नीचे क्लोज हुई अभी नहीं नहीं हो रही है, कोई कैंडल नीचे क्लोज नहीं हो रही है, मतलब क्या हुआ, मेरा मार्केट अभी बाइंग में जाने को तैयार नहीं है, मगर सेलिंग में भी जाने को तैयार नहीं है ना। यस, क्या सेलिंग में जा रहा है मार्केट, सेलिंग में भी नहीं जा रहा है। चीका उसपेन क्या बोल रही है, देखिए चीका उसपेन क्या बोल रही है, सेलिंग, यस सर। ये तो बाइंग नहीं बोल रही है, और ये बाय करने को तैयार नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रही है कि नहीं, जी सर। वो बाय के लिए तैयार नहीं है और ये सेल के लिए तैयार नहीं है, तो अब डिसीजन कौन करेगा, डिसीजन नेक्स्ट वाली कैंडल करेगी कि नहीं, डिसीजन नेक्स्ट वाली कैंडल करेगी जो नीचे खुलेगी, वो आपका डिसाइड कर देगी कि मार्केट को कहां जाना है, कौन सा जगह ऐसी है जहां पर मार्केट जाके अपना मूव ले सकता है। वेट करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अच्छा देखो इतनी देर से, अभी 49 हो गए, हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं बताएं, मार्केट का कितनी देर होगी। यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि सर पूरे दिन हम वेट ही करते रहेंगे क्या, लेकिन जी आप सोचो ये वेट करना जरूरी है या नहीं है बताओ, सर। कोई गलत डिसीजन हो सकता है या नहीं बताओ, राइट है, यहां पर कोई गलत डिसीजन आपका हो सकता है, तो हम गलत, देखो खुल गया मार्केट, नीचे कैंडल ओपन हुई, चली गई, इस ट्रेड को मैं हटा देता हूं, वैसे मैंने टारगेट लगा दिया तो ये ट्रेड मेरा हट जाएगा, हट गया ये, चलिए तो हमें मतलब 1300 रुपये मार्केट से ले लिए हमने लोगों ने, ठीक है। आप चलते हैं आगे, फिर आगे चलते हैं, आप जरा आप थोड़ी देर बैंक निफ्टी पे थोड़ा काम करते हैं। अब यहाँ पर पूरे में क्या हो रहा है, देखो अब उल्टा हो गया, ये नीचे की तैयारी में, ये ऊपर की तैयारी में उल्टा हो गया, ये करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये जैसे भाई बहन झगड़ते हैं ये आपस में झगड़ते रहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। क्या हुआ, अभी तक किसने परेशान कर रहा था, निफ्टी ने, बैंक बैंक निफ्टी सही जगह पे था, और आप कौन परेशान करेगा आपको, बैंक निफ्टी। निफ्टी। अब निफ्टी सही जगह पे आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों सही जगह पे आने घूमने लगेंगे कि नहीं। फिर से पॉइंट को समझते हैं, ये हमारा वन डे का सपोर्ट है ना, ना ये सॉरी वन डे का सपोर्ट ऊपर था, यहां नहीं था, मार्केट वन डे के सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट अब यहां पर नीचे चलने की कोशिश करेगा, ये नीचे आ रहा है 47,440 का पीई, ठीक है, इसको पकड़ो, ये आपके पास जाएगा नीचे की तरफ, राइट है। अब नीचे की तरफ चलना शुरू होगा मार्केट, तो इसका मतलब एक बाय साइड निकलेगी आपके पास, ये देखें क्या हुआ, कौन परेशान करेगा, यस समझ में आ गया, कौन परेशान करेगा आपको, क्या हो रहा है, ये देखिए वापस ऊपर देगा। वापस अब जरा आप, यस आप जरा समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको अभी अभी एक पॉइंट बोला, एक पॉइंट का ध्यान से रखना और उस पॉइंट को बिल्कुल गांठ बांध के रखना कि आप इस पॉइंट को छोड़ोगे नहीं, और वो पॉइंट क्या है, जिस मोमेंट मार्केट क्लाउड के ऊपर निकलेगा मैं सारे सेलिंग छोड़ दूंगा, राइट। जिस मोमेंट मार्केट क्लाउड के ऊपर जाएगा आप सेल गलती से भी मत करना, फिर छोड़ देना, ये पॉइंट क्लियर है। तो मेरी मारामारी सेल की कब तक है, मेरी मारामारी केवल और केवल क्लाउड तक है, राइट है, केवल और केवल क्लाउड तक, अगर क्लाउड के ऊपर जाएगा सेल छोड़ के फिर मैं बाय में जाऊंगा। तो मार्केट को कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां से मार्केट रिटर्न कर सकता है,
कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन और मैक्सिमम प्लाउ, राइट है, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, मैक्सिमम प्लाउ, इन जगह से हम जाएंगे। अब चूंकि देखो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है 5 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम में, तो आपको लगता है मेरे को कम से कम घंटा भर देखना चाहिए मार्केट का या वन डे देखना चाहिए क्या कर रहा है मार्केट? देखो घंटे भर में क्या कर सकता है मार्केट, देखो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है मार्केट का, कहां तक रिट्रेसमेंट जा सकता है। रिट्रेसमेंट तो हमने पहले भी एक्सपेक्ट किया था कि रिट्रेसमेंट आएगा, इनका रिट्रेसमेंट कहां कहां तक हो सकता है जल्दी से बताए? कन्वर्जन लाइन तक हो सकता है, कन्वर्जन लाइन तक हो सकता है या क्लाउड का जहां गैप छोड़ के आया वहां तक हो सकता है। यस, सबसे पहले तो गैप का ही रहेगा ना सर, कन्वर्जन लाइन तो बहुत दूर है, पहले तो गैप का ही मिलेगा इसको, राइट है। अब यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पॉइंट समझते हैं, पॉइंट सारे आपके काम के रहेंगे, आपको लगेगा ऐसा ही है लेकिन काम के पॉइंट है। अब देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इस कैंडल को मैं छेड़ूंगा नहीं, देखो मेरे ट्रेड हट चुके होंगे, आप अगर ध्यान से देखोगे मैं मेरे ट्रेड नहीं चल रहे, देखो नहीं है ना, कर चुका ना मैं ट्रेड, नहीं कर रहा हूं ना, अब मैं कब एंट्री करूंगा इसकी, अब एंट्री समझिए, मेरी कोई एंट्री नहीं है, देखो वो ऑर्डर भी नहीं होगा, कुछ नहीं लगा हुआ, मेरा पैसे इतने निकले, अब मैं इसकी एंट्री कब लूंगा, मैं वेट करूंगा घंटे भर की कैंडल का, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट वाली ये तो देखो ग्रीन जा रही है, ये तो ग्रीन जा रही है, ये ग्रीन कहां तक जा सकती है, ऊपर तक जा सकती है, यहां तक कहीं तक भी जा सकती है या नहीं? जा सकती है भैया, यहां तक भी जा सकती है, यहां भी कहीं पर भी चले, शायद शूट कर जाए ऊपर, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है और मेरा मार्केट किसमें है, मेरा मार्केट बियरिश है, राइट, सब जो ध्यान से समझना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस कैंडल को नहीं छेड़ूंगा, बाय में ले नहीं सकता, इस कैंडल को मैं नहीं छेड़ूंगा, तो अगली वाली जो एक घंटा बनेगा, अगली वाली जो कैंडल बनेगी वो आपके पास डाउन में चलेगी, तो मैं एक वो ले सकता हूं सेल, पॉइंट समझ पा रहे हो? ठीक है, मार्केट अगर वहां से नीचे चलेगा तो मैं अपनी सेल लूंगा, अभी नहीं लूंगा, राइट है, ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट है लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए। देखे अभी मार्केट चल रहा है ऊपर, मैं इसे नहीं छेड़ूंगा, पता नहीं कितना ऊपर चला जाएगा, कहां तक जा सकता है, कन्वर्जन लाइन बाहर, निफ्टी की कन्वर्जन बेस लाइन बाहर बैठी है और बैंक निफ्टी की बाहर निकलने के लिए तैयार हो रही है, तो आपको लगता है अगले घंटे में ये कन्वर्जन लाइन बाहर आ जाएगी, ये सुनो, ये देखो यहां मिल रही है, तो मतलब यहां कहीं मिलेगी कन्वर्जन लाइन, दैट मीन्स मार्केट का एक बियरिश मोड फिर से शुरू हो जाएगा, हाँ या ना, हो सकता है, वेट करना है, वेट एंड वॉच। यहां पर अब आपका टाइम क्या हो रहा है, 9:55 हो रहे हैं, 10-15-20 मिनट हमारे पास है कि नहीं है, है? अगले घंटे की कैंडल बनने के लिए, या तो आप वन आर के अंदर देख रहे हैं तो अगले घंटे की कैंडल का वेट करें, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो इसका रिट्रेसमेंट का वेट करें, दोनों में से कोई भी आप काम कर सकते हैं यहां पर, लेकिन इस टाइम पर एंट्री करना सही नहीं है क्योंकि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है ये आपको भी अंदाजा नहीं होगा, ये बताएं, आप बता सकते हैं कितना ऊपर तक चला जाएगा, कितना भी जा सकता है ना, मार्केट अपने पिवट पॉइंट को टच करने भी जा सकता है ऊपर या नहीं, बताओ, हाँ या ना, क्या पिवट पॉइंट को भी टच करने जा सकता है मार्केट ऊपर? यस, जा भी सकता है, तब तो सर बाय उठा लेगा, तब तो बाय उठ जाएगी, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, यस, तब तो कुछ बचा ही नहीं, वेट करते हैं। अब देखो मैंने एक कॉल लिया है 47,400 का, 47,400 नीचे है, 47,400 कम से कम यहां पर आएगा, मैं इस कॉल को मैनेज करूंगा, आप देखना इस कॉल को मैं मैनेज कर रहा हूं, मैं दिखा देता हूं, ये मैंने कॉल लिया है, इसको मैं मैनेज करूंगा, ठीक है, मैंने देखो अप्रेल का लिया है, मतलब सर अभी आप बाई की तरफ अपना, सॉरी पुट लिया है मैंने, देखो सॉरी, ठीक है, मैंने गलत बोला, देखो मैंने पुट लिया हुआ, राइट है, मेरा क्या मानना है कि मार्केट यहीं कहीं से वापस आएगा अभी, राइट है, लेकिन इस पुट को मेरे को मैनेज करना है, अभी ऐसे नहीं कर सकता, इस पुट को मैं मैनेज करूंगा, कहां तक जाएगा ये आपका मार्केट, यहां तक, तो मेरे को एक और पुट कहां पर खरीदना पड़ेगा, कोई भी बताए कहां पर खरीदना चाहिए, यस, यहां पर ऊपर सर, यस, मैं अभी छेड़ूंगा नहीं इसको, पड़े रहने देंगे, थोड़ा नुकसान देगा, देने देंगे,
जब मार्केट यहां पर आएगा तो मैं दूसरा पुट ऐड करूंगा, या फिर जब नई कैंडल मेरी रेड में शुरू होगी तो मैं अपना पुट ऐड कर दूंगा। अगर यहीं से कैंडल रेड शुरू हो जाती है तो मैं पुट ऐड करूंगा। यहां पर भी एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप उसको भी समझेंगे तो आपको अच्छा होगा। देखो ये ग्रीन कैंडल कैसे क्लोज होनी चाहिए, ये ग्रीन कैंडल कम से कम मिड पार्ट के आसपास क्लोज होनी चाहिए, यहां से रेड कैंडल बननी चाहिए, राइट? तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। वेट करना यहां पर क्या होता है, 1 घंटा क्लोज होना जरूरी है। और ये कहां क्लोज होना चाहिए बताएं, बैंक निफ्टी कहां क्लोज होना चाहिए जल्दी से, थोड़ा सा नीचे बियरिश मोड में या नहीं? छोटे छोटे पॉइंट है, इनसे ट्रेडिंग आप सीखेंगे। ट्रेडिंग खाली इंडिकेटर बेस पर नहीं होती। यस सर, सर सभी रेड कैंडल बनेगी, तब आपका रेड कैंडल बनेगी पीछे का। इधर होगा ना, क्या हुआ, ओपन के नीचे ये कैंडल घंटे भर का कैंडल बैंक निफ्टी में ओपन के नीचे क्लोज होगा? हाँ नहीं, ओपन के नीचे भी जरूरी नहीं है। देंगे देखो, यहाँ इस वाले कंसेप्ट को मत लो। देखो जरूरी नहीं है कि ओपन के नीचे कैंडल का बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर कहाँ बनेगा बताओ। यस, ये निफ्टी की कैंडल ये बन रही है, इसका सेलिंग प्रेशर कहाँ पर बनेगा बताओ? 50 के नीचे, नीचे ना, मिड के नीचे सेलिंग प्रेशर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसका ओपन ऊपर ही हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं, ओपन इससे ऊपर हो, राइट है? ऐसा भी हो सकता है कि आपका मिड पोर्शन और ओपन दोनों बराबरी पे आ रहे हो सकता है, ऐसा नहीं पॉसिबल है पूरा। तो आपको ओपन नहीं लेना, आपका मिड पोर्शन से नीचे होना चाहिए तो आपकी सेलिंग शुरू होगी। अगर मैं देखता हूं तो इन दोनों में अब केस यहां पर क्या बनेगा, 5 मिनट पे आओ, 15 मिनट पे आओ, कोई से भी टाइम फ्रेम पर, अगर मैं 15 मिनट पे देखता हूं तो मार्केट अभी काफी दूर बैठा है, यही कहीं से मार्केट को रिटर्न करना चाहिए। 15 मिनट पे जाके देखो दोनों को, अलग अलग टाइम फ्रेम में जजमेंट करो, इनका क्या हो सकता है बताएं। यस, क्या हो सकता है, ये काफी दूर बैठा है, मार्केट को यही कहीं से रिटर्न करना चाहिए कि नहीं? जी सर। अब इसके लिए रिटर्न के लिए कौन सी जगह हो सकती है, ये एन वेव आपका मुश्किल है, तो हो सकता है मार्केट कन्वर्जन लाइन से पहले रिटर्न करने की कोशिश करे, पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट कन्वर्जन लाइन से रिटर्न करने की कोशिश करे। चलिए 5 मिनट पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। 5 मिनट पे जाता हूं तो क्या मार्केट अभी सेलिंग में आ गया या दोनों बाय में जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए जरा, सर बाय में जाने की तैयारी कर रहे हैं सर, दोनों बाय की तैयारी कर रहे हैं, तो राइट है, वेट करना, अभी आराम से वेट कर रहे हैं और दोनों बाय की तैयारी कर रहे हैं। वो कल जो मार्केट असल में गिरा वो पैनिक था, जब कहीं अटैक होता है तो मैंने आपको बोला था पहले रशिया का यूक्रेन का भी अटैक हुआ था, उसमें इतना इशू नहीं था जितना इशू इसके अंदर था, ईरान वाला इजराइल वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा जो ये फ्यूल सप्लाई है वो अफेक्ट हो सकती है ना, और कई सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो मतलब हमारा व्यापार पूरा खराब हो सकता है, तो उस रीजन से हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट करना पड़ना जरूरी था। मार्केट को यहीं से एक रिटर्न मारना चाहिए। देखो मार्केट कहां पर आ गया, दोबारा से वापस आते हैं, मार्केट ने ये अपना हाई बनाया, ये बना, यहां पर आपको लगता है ये ऐसा बनना चाहिए ये फॉर्म, यस एम पैटर्न पूरी पॉसिबिलिटी है, राइट है? अभी हम सेलिंग के लिए सोच नहीं रहे, आप समझिए मैं सेलिंग के लिए नहीं सोच रहा हूं बिल्कुल भी, सॉरी बाइंग के लिए नहीं सोच रहा हूं, सॉरी बाइंग के लिए मैं कहीं से भी नहीं सोच रहा हूं, मेरा पूरा दिमाग सेलिंग पर है। और सेलिंग के लिए किसके नीचे आना चाहिए, निफ्टी को बताएं, निफ्टी को, अब आपका पूरी वेव बन चुकी है या नहीं, इसके नीचे चलना चाहिए मार्केट को और कन्वर्जन लाइन के नीचे आना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मार्केट आराम से नीचे चल पाएगा, अभी मार्केट आया नहीं है, वेट एंड वॉच, ठीक है? ये एम पैटर्न बना सकता है, ये आपका एम पैटर्न है और लास्ट वेव है, इसके नीचे मार्केट एक सेलिंग में आ सकता है, और क्या बैंक निफ्टी भी सेलिंग में आ जाएगा उस केस में? यस, क्या बैंक निफ्टी में सेलिंग में आ जाएगा उस समय? यस यस सर, आ जाएगा। इसका मतलब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अभी सेलिंग में, कहीं ना कहीं से सेलिंग में आएगा, हमें वो पॉइंट ढूंढना है कि कौन का मार्केट कहां से सेलिंग में आ सकता है, जहां से भी सेलिंग में जाए वहां से हमें मार्केट को पकड़ लेना है, बस इतना सा काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल इतना सा काम, जहां से मार्केट सेलिंग में चलेगा
वो पॉइंट हमें पकड़ना है। प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर बताएं आप, प्राइस एक्शन क्या होगा, कोई भी प्लीज बताए क्या होगा प्राइस एक्शन यहाँ पर अगर सेलिंग के लिए जाना है तो। थर्ड वेव कंप्लीट नहीं हुई और ये नीचे आ गया, ये जीरो के नीचे, यस सर, या फिर बोलो कन्वर्जन लाइन के नीचे, राइट जी सर, दोनों केस होने चाहिए। अभी मार्केट गया नहीं है तो अभी मेरे को वेट करना है कि मार्केट दोनों के दोनों जब कन्वर्जन लाइन के नीचे आएंगे तब मेरी सेलिंग शुरू होगी, अभी नहीं है। तो वेट एंड वॉच वाला हिसाब है या नहीं बताओ, पूरा वेट एंड वॉच, आराम से बैठे वेट एंड वॉच, कॉफी बनाए कॉफी पिए, आपको हो सकता है इसमें आधा घंटा लग जाए, हो सकता है इसमें एक दिन पूरा लग जाए, और हो सकता है आपका मार्केट जल्दी से आपको ये दे दे, ऐसा भी हो सकता है ये पॉइंट आपको जल्दी पकड़ा दे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कितनी देर वेट करना पड़ सकता है आपको प्लीज बताए कोई, कितनी देर वेट करना पड़ सकता है इस पूरे ट्रेड के लिए? यस, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, चार घंटे, कितनी देर? अनलिमिटेड सर, कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, राइट है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कोई आप कई बार ऐसा होता है कि आप इसमें अपना क्या बोलते हैं अलर्ट लगा के छोड़ देते हो, राइट, अलर्ट लगा के कि जब निफ्टी जो है कन्वर्जन लाइन के नीचे चलेगा 5 मिनट में तो इंडिकेट हो जाए, मतलब आपको ये अलार्मिंग सिग्नल आ जाए, ऐसा भी आप लगा लेते हो, ठीक है। मेरे को नहीं पता आप उस पॉइंट को यूज करते हो नहीं करते, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ऊपर चलेगा तो वो आपको बता देता है, तो उस पार्ट को भी चाहो तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए मार्केट डाउन चलना धीरे धीरे शुरू कर रहा है, धीरे धीरे, अभी आया नहीं है। मेरी सेलिंग दोबारा से कंफर्म कर ले, मेरी सेलिंग कहां पर है? यस, मेरी सेलिंग कहां पर चल रही है? इसकी सेलिंग इसके नीचे, राइट, और इसकी सेलिंग पुरानी वाली ग्रीन के नीचे या बोलो कन्वर्जन लाइन के नीचे सीधा सीधा। अगर कोई एन वेव बनी है तो एन वेव के नीचे, अदरवाइज कहां पर? कन्वर्जन लाइन के नीचे। मार्केट चलेगा लेकिन थोड़ा टाइम लेके चलेगा, एकदम से नहीं चलेगा कि मैंने एंट्री करी और मार्केट चल दिया, ऐसा नहीं होता। मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगा चलने के लिए, धीरे 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 करके नीचे आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट अपने लो के पास में होगा या जो सेलिंग पोर्शन होगा उसके पास में होगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा लेकिन थोड़े टाइम बाद मिलेगा वो वाला पॉइंट। देखिए अब मार्केट कन्वर्जन लाइन के पास आ रहा है, उठ सकता है यहां से मार्केट, इसलिए इसके नीचे आना कंफर्मेशन के लिए जरूरी है या नहीं? यस सर, यस, कंफर्मेशन के लिए इसके नीचे आना जरूरी है मार्केट का, कि थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो मार्केट आपको मूव देगा। वेट करते हैं मार्केट का, क्या पता ऊपर चला जाए यहां से, इसके लिए से नीचे आना बहुत जरूरी है। तो अब कैंडल क्या करना चाहिए, नीचे कहीं आनी चाहिए और नीचे क्लोज करना चाहिए, लेकिन अगर ऊपर निकलेगी तो हमें इश्यू है, तो ऊपर नहीं निकलनी चाहिए कैंडल, यहीं से ही मार्केट को चलना चाहिए नीचे, और अगर नीचे जाना है तो, और कन्वर्जन लाइन के नीचे आके क्लोजिंग दे देनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है मार्केट, हमारे हिसाब से नीचे होता है तो नवप्रीत जी बोलते तब चलता है मार्केट, क्यों नवप्रीत जी बोलेंगे तब चलेगा मार्केट, क्यों नवप्रीत जी? ऐसा कुछ नहीं है सर, और क्या भाई, दो चार लोग हैं जिनका कहना मानता है, या तो गिरजा जी का मानता है, जोसेफ जी का, दिलबाग जी का, दिलबाग जी का भी खूब मानता है मार्केट कहना, क्यों? काफी सारे लोग हैं जिनका कहना मान लेता है, बीनी जी का भी मानता है कहना, पूजा जी का भी कभी कभी मानता है, ठीक है। ये मार्केट अभी सेलिंग में आएगा, आने दीजिए मार्केट को तसल्ली से सेलिंग में, अगर बाय में जाएगा तो मैंने क्लाउड के ऊपर काम करना है, या फिर कम से कम मेरा जो पिवट पॉइंट है, पिवट के पॉइंट के ऊपर मैं कोई बाय की सोचूंगा, उससे पहले मेरा सेलिंग है, चाहे कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बन जाए मैं सेलिंग में ही बैठा हूं, उससे पहले ये कैंडल वापस चलनी चाहिए या नहीं बताओ? 10:06 हुए हैं, 10:06 हुए हैं, और अभी हमारा कितने मिनट बचे हैं? अभी आपका 9 मिनट बचे हैं, 9 मिनट में नई कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बननी चाहिए, हालांकि बनेगी नहीं बनेगी वो अलग बात है, लेकिन ये कैंडल कहां क्लोज होती है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? Yes. इसको वापस चले और देखें कि ये कैंडल क्या कर रही है, घंटे भर में, घंटे भर की ये कैंडल क्या कर रही है, बैक मार रही है या नहीं? Yes. क्या कर रही है दोनों कैंडल? बैक। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखें लेफ्ट साइड में क्या हुआ, बाहर आ गई सर, चेक करते जाए, और यहां पर क्या हो रहा है, इसकी भी कैंडल, इसका भी ये ले लो, यस, यहां पर क्या हो रहा है,
कन्वर्जन लोन बाहर आने की बाहर आएगी सर। बाहर आएगी, अभी नहीं आई है, ठीक है? इसका मतलब अगली वाली कैंडल आपकी डाउन साइड शुरू कर सकती है। सीधा सीधा मतलब ये है कि अगली वाली जो कैंडल है वो आपकी डाउन साइड यूज कर सकती है, डाउन साइड के लिए चल सकती है। तो अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो, थोड़ा पूर्व होना शुरू हो, लेकिन फिर भी आपका एक उम्मीद और है कि मार्केट एक काम कर सकता है कि मार्केट इस पॉइंट तक अभी ऊपर जा सकता है, राइट है? उसमें बिल्कुल कोई अंदेशा नहीं है कि मार्केट में यहाँ पर यहाँ तक नहीं जा सकता मार्केट, दोनों केस में यहाँ तक जा सकता है मार्केट, यहाँ तक जाने के बाद रिवर्स करेगा तो ज्यादा अच्छा है, मुश्किल है हालांकि, लेकिन अगर वहां तक चला जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, मार्केट वहां पर से सेलिंग देगा। तो अभी 10:08 हुए हैं और नई कैंडल बनने के लिए, अच्छी सेलिंग के लिए, इसको थोड़ा सेलिंग प्रेशर पकड़ना चाहिए दोनों कैंडल को या नहीं? यस सर। देखिए अगर अच्छी सेलिंग आनी है तो उसके लिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, मतलब कम से कम कैंडल को यहां तक तो इतना नीचे तो आई जाना चाहिए, तब यहां से रेड बनेगा तो नीचे चल पाएगा। तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मार्केट को पकड़ना चाहिए अगर कैंडल को उसको सही जाना है तो। अभी गया नहीं है निफ्टी, देखो कहां चल रहा है, निफ्टी आराम से ऊपर भागा जा रहा है जबकि ग्रीन है। मैंने आपको पॉइंट क्या बोला, जब तक कैंडल ग्रीन है तब तक आप उसमें एंट्री मत करो, यही बोला मैंने, राइट है? नेक्स्ट कैंडल देखो कि नेक्स्ट कैंडल कहां पर बनती है। अब यहां पर नेक्स्ट कैंडल में एक इशू है अभी बनने वाली है, उस पॉइंट को पहले समझ लो। देखो अगर ये बिना किसी वीक के यहां पर क्लोज कर देगा और मार्केट नया खुलता है तो नीचे चढ़ने के चांसेस कम रहेंगे, राइट है? जैसे ही है, अगर ये भी आपका ऊपर जाके क्लोज कर देता है और अगली कैंडल यहां बनती है तो मेरे को मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं होगा, फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर चल सकता है। लेकिन मार्केट के सेलिंग प्रेशर के लिए वीक बननी जरूरी है या नहीं है? जी सर। वीक अगर यहां तक आएगी तब तो मार्केट रेड कैंडल यहां से शुरू करेगा सेलिंग प्रेशर में, राइट सर? ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो इसलिए कैंडल का वीक बनना बहुत जरूरी है, जो कि अभी बना नहीं है, अभी बना नहीं है मार्केट में कैंडल का वीक, थोड़ा सा टाइम ले सकता है मार्केट, तो थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट करेगा क्या। अभी आया नहीं है मार्केट किसी डिसीजन पर, यही कहीं से मार्केट को एक वापस रिटर्न मारना चाहिए, देखते हैं क्या करता है मार्केट, अभी गया नहीं, वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है। ये पॉइंट है छोटे छोटे से, राइट? यहां पर मैं वेट कर रहा हूं मार्केट थोड़ा डाउन आ जाए, हल्का सा डाउन आके तब एक रेड कैंडल बनाए तब नीचे चले, लेकिन मार्केट ने वो सिग्नल मेरे को भी दिया नहीं, तो हो सकता है आपका कोई कैंडल और थोड़ा सा और ऊपर जाए और फिर रेड बनाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं देखते हैं मार्केट की अगली कैंडल हमें क्या बोलती है, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा वेट करके मार्केट हमें जब पॉइंट देगा, मार्केट का यही कहीं से एक रिटर्न है, वैसे इसी जगह से रिटर्न है मार्केट को, रिटर्न कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, वेट करते देखते क्या करता है मार्केट, क्या यहां से वापस चलना शुरू कर रहा है थोड़ा थोड़ा मार्केट, देखिए रिटर्न के दिए आई, यस सर। वेट करते हैं, अभी बने हैं 10:10, अभी बचे हमारे पास 5 मिनट, 5 मिनट में ये आपका थोड़ी सी विक डाउन करना चाहिए और उसके बाद रेड कैंडल बननी चाहिए, तब आपका मार्केट नीचे की तरफ चल पाएगा, ये आपका प्राइस एक्शन बोल रहा है, जबकि अभी गया नहीं है, प्राइस एक्शन बना नहीं है पूरा, अभी ट्राई कर रहा है मार्केट। 5 मिनट बाद नई कैंडल बनेगी, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखता हूं तो क्या छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने कोई रिवर्सल के साइन दिए, मेरे को जरा चेक कीजिए, क्या रिवर्सल के कोई साइन दिए मार्केट ने दोनों को, जब तक मार्केट ओपन हो रहा है नई कैंडल ओपन हो रही है, जरा रिवर्सल के साइन हो रही है, क्या हुआ? यस, क्या रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं आपको? हाँ या ना सर? अभी नहीं, अभी तो नहीं मिल रहे, राइट है? मार्केट को क्या करना चाहिए रिवर्सल के साइन के लिए, कम से कम कन्वर्जन लाइन के नीचे आना चाहिए या नहीं? जी सर, कन्वर्जन लाइन के नीचे कम से कम आना चाहिए, और मार्केट अभी कन्वर्जन लाइन के नीचे आया नहीं है, तो इसका मतलब मार्केट अभी बियरिश नहीं हुआ, देख रहे दोनों के, आप दोनों के समझेंगे। अभी देखो मार्केट में चीका उसपैन क्या कर रही है, यस, किस चीज की तैयारी कर रही है चीका उसपैन, जरा बताएं? पास होने की, पास में आ रही है, मतलब मार्केट क्या कर सकता है यहाँ पर, यस, कोई सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर सकता है, यस सर, राइट है? चीका उस पैन के पहले, पास में आने से पहले पहले ये मार्केट नीचे आ जाना चाहिए कि नहीं? यस,
अगर सेल साइड में जाना है तो चीका उस पेन के वहां तक आने से पहले पहले मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए, राइट। इसका मतलब मार्केट अभी थोड़ा टाइम में नीचे आ सकता है, राइट है। वेट करते देखते क्या होता है, वेट एंड वॉच, राइट। मार्केट जो भी करेगा अच्छे चलेगा। जी सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगले आधे घंटे में लेट से 5-6 कैंडल तक अगर मार्केट साइडवाइज रहता है तो वो नीचे नहीं गिरता है तो काफी चांसेस बन सकते हैं ऊपर जाने के, राइट। ऊपर जाने के, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऊपर जाने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट और देखें कि मार्केट कम से कम पिवट पॉइंट के ऊपर, राइट है। ये कंफर्मेशन आप ले सकते हो, मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर होना चाहिए बाय में जाने के लिए। मार्केट अभी गया नहीं है, ये गया क्या मार्केट बताएं? अभी तो नहीं गया। अभी नहीं गया तो जबरदस्ती करनी नहीं है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। मार्केट के अपने पैरामीटर हैं, अगर उन पैरामीटर पर मार्केट चलेगा तभी अपनी बाय देगा। और वो पैरामीटर मेरे क्या है, मैंने आपको बताया मार्केट क्लाउड के ऊपर होना चाहिए नंबर एक, राइट, तब मैं बाय के सोचूंगा। नंबर टू, मार्केट पिवोट के ऊपर होना चाहिए, राइट। ये दो पैरामीटर तो मेरे हैं ही है, ठीक है। आप बोलेंगे सर क्रॉसओवर, तो जब मार्केट क्लाउड के ऊपर जा रहा होगा तो 4 नंबर का क्रॉसओवर मिल चुका होगा कि नहीं? अच्छा, उस पेन भी सर पास आ जाएगी तब तक, वो भी पास आ जाएगी। तो वो तो आपका कोई कंडीशन नहीं है कि वो बाय होगी, कोई वो कंडीशन नहीं है कि वहां पर से आपको बाय मिल जाएगी, बाय की वो कंडीशन नहीं बनती वहां पर। लेकिन मार्केट के अंदर अगर बाय होनी है तो कम से कम क्लाउड के ऊपर होना चाहिए मार्केट, और 1 घंटे में कन्वर्जन लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये मेरी कंडीशन है सिंपल सी, और पिवोट के ऊपर होना चाहिए। अभी मार्केट ने तीनों में से कुछ भी नहीं किया तो मार्केट को मैं बाय में काउंट ही नहीं कर सकता। अब देखो निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है, देखें 14 हो गए, देखो मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ। निफ्टी नीचे ध्यान से चेक करना कैंडल कहाँ खुल रही है, इस पॉइंट को नोट करना, राइट। मैं इसको लगाता हूँ, अब देखो मार्केट ने क्या थोड़ा सा बियरिशनेस दी है, यस, थोड़ा सा मार्केट ध्यान से चेक करो। अब अगली कैंडल कहाँ खुलती है, अगली कैंडल को थोड़ा सा नोट करना, राइट है। मैं यही छोड़ देता हूँ, अगली कैंडल को नोट करना कि मार्केट यहाँ पर करता क्या है, वेट करना, वेट एंड वॉच। अगली कैंडल कहाँ खुलेगी और कन्वर्जन लाइन बेस लाइन कहाँ पर आती है, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ मैं इसको, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन देखना कहाँ पर आती है, राइट। इसको भी मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यस, कहाँ पर खुली देखें जरा, थोड़ा सा नीचे या ऊपर? नीचे सर, थोड़ा नीचे आ रही है, राइट है। अगर ये ऊपर खुलती तो क्या होता, अगर ये टॉप पर होती तो बाय के लिए सिग्नल बनाती कि नहीं? हाँ, ये ना बनाती है, नहीं बताया, राइट है। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं खुली है तो इसका मतलब मार्केट जो है थोड़ा बहुत नीचे फिर आने की तैयारी कर सकता है, सिंपल सा मतलब आपके पास ही है। निफ्टी बैंक में सर हमारा स्पैन जो बेस लाइन है वो फ्लैट हो गई है, अगर हम उसको देख, अगर हमारी, अगर हम उसको देखते हैं स्पैन बी को देखें एक मिनट, तो इसका मतलब ये नहीं होगा जो ग्रीन कैंडल है उस पे नीचे अभी मार्केट जाएगा नहीं? यस बिल्कुल, अभी नहीं जाएगा, बिल्कुल 1 घंटे तक नहीं जाएगा, राइट है, कम से कम घंटे भर तक नहीं जाएगा। लेकिन घंटे भर के बाद ये आपकी बेस लाइन चेंज हो जाएगी कि नहीं? जी सर, राइट है। अब पहला रूल हमने क्या लगाया था, अभी अभी मैंने आपको रूल बताया था, रूल नंबर 1 हमारे पास क्या था कि मार्केट में अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा, ये बोला था कि नहीं, राइट है। मार्केट को अगले घंटे की कैंडल बनने देंगे, और अगले घंटे की कैंडल कैसी बननी चाहिए ये भी हमने डिसाइड किया था, अगले घंटे की कैंडल कैसी होनी चाहिए, विक के साथ में, राइट। अगर ये विक नीचे होती ना तो मेरे को और अच्छा मिलता, थोड़ी सी और डाउन दे देती ना तो ज्यादा और ज्यादा अच्छा मिलता मेरे को, और इतना भी चलो चल जाएगी काम, कोई इशू नहीं है। अब ये समझो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अभी बाइंग, देखो मिड पोर्शन पे लगाऊं तो अभी बाइंग प्रेशर में है ये मार्केट या नहीं? जी सर, अभी बाइंग प्रेशर में बैठा है, तो मार्केट को अगर सेलिंग प्रेशर में जाना है तो इसके नीचे आना पड़ेगा कि नहीं? आना पड़ेगा, राइट है। तो अब मार्केट को रेड कैंडल बना के इसके नीचे चलना शुरू कर देना चाहिए, तब जाके बियरिश मूड शुरू होगा इसका। देखें, देखते हैं क्या होता है, आपके सामने चला रहा हूं मैं, पूरा ट्रेड चल रहे हैं, अभी ट्रेड मैंने हटाया नहीं है, ट्रेड मेरे चल ही रहे हैं, ठीक है। मैं ट्रेड को कभी भी डर के नहीं हटाता, ट्रेड मेरे चलते रहते, दिखा भी देता हूँ मेरा ट्रेड चल ही रहा होगा। देखो मैं ट्रेड को ऐसे ही नहीं हटाता जब तक मार्केट मेरे को सही पोजिशन नहीं देता, तब तक मैं ट्रेड को नहीं हटाता हूँ,
राइट, मार्केट को क्या होना चाहिए, देखें यहाँ पर नीचे चलना चाहिए, लेकिन ये ऊपर से ये बेस लाइन का फ्लैट होना क्या बता रहा है कि ये एक साइडवेज मार्केट बनेगा। यस सर, ये होगा, ये मार्केट एक साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी ये कैंडल हो सकता है इसी कैंडल के अंदर अंदर मूव करती रहे, एक या दो कैंडल मूव कराएगी और उसके बाद आपका मार्केट डाउन में चलेगा, ये पॉसिबल हो सकता है अभी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये पॉइंट समझ में आए सब किया नहीं आया बताए? Yes, आगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको नोट करके रखना कि कब मार्केट की सेलिंग होगी, कब मार्केट की बाइंग होगी। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में इशू लग रहा है तो बड़े टाइम फ्रेम में जाके उसको चेक कर लो। अगर घंटे भर में भी मेरे को इशू लग रहा है तो मैं कौन से टाइम फ्रेम में जाके चेक करूंगा, डे में। राइट है, डे में मार्केट क्या कर रहा है, देखो कहां से रिजेक्शन ले रहा है आप, देखो यस कहां से रिजेक्शन ले रहा है, पिवोट से, डॉट पिवोट पॉइंट से, बेस लाइन के नीचे है। और यहां पर चीका उस पेन क्या करने वाली है, जरा निफ्टी में देखें, निफ्टी में चीका उस पेन क्या करने वाली है, को क्रॉस करने वाली है, तो एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है। राइट, यहां पर भी मैं वनडे में लेके जाता हूं, तो यहां पर वनडे में चेक कीजिए मार्केट क्या कर रहा है। यहां पर ये हमने कल क्लास में भी डिस्कशन किया था, यहां पर थी कैंडल उस समय चीका उस पेन, ये क्रॉस कर रहा है इसको या नहीं, राइट है, इसका मतलब ये कैंडल वापिस आएगी, ये श्योर हुआ। ठीक है कि ये कैंडल वापस आएगी। अब जरा और पॉइंट्स, और पॉइंट एक मिनट समझ लेते हैं। ये आपका मार्केट कब सेलिंग में आएगा, अपने इस बेस लाइन के नीचे ना वापस आना चाहिए कि नहीं, राइट है, बेस लाइन के नीचे आएगा तब मार्केट अपनी सेलिंग पकड़ेगा, तब तक आपकी कोई सेलिंग नहीं है यहां पर। तो मार्केट का ये डाउन और ये डाउन थोड़ी देर में मिलना चाहिए मेरे को या नहीं, थोड़ी देर में ये डाउन आ जाना चाहिए, आ जाएगा। अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओपन के नीचे इसकी सेल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बेस लाइन और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ओपन के नीचे मेरी एक सेलिंग शुरू हो जाएगी, ये इसके नीचे आपका बैंक निफ्टी की एक सेलिंग है इस पॉइंट के नीचे। मैं इसको वापस एक घंटे पे ले आता हूं और चेक करते हैं किसके नीचे मेरी सेलिंग है, किस पॉइंट के नीचे सेलिंग है, इसके नीचे, राइट है, इसकी सेलिंग कहां पर है, यस इसकी सेलिंग कहां पर है, इसके नीचे से रिटर्न करेगा तो मेरी सेल हो जाएगा कि नहीं, जी सर, इसको मैं नीचे से ओपन के नीचे तो है ही आपका सेल, लेकिन हम इसके नीचे ही अपनी सेलिंग शुरू करेंगे। अब जाते हैं वापस एक घंटे में, मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, देखे वहीं से रिटर्न कर रहा है, राइट है, और यहां पर आपकी दोनों चीज दोनों क्या बोल रही है, जरा ध्यान से चेक कीजिए, क्या यहां पर चीका उस पेन एंट्री करने की तैयारी में क्लाउड की, यस, इसका मतलब एक डाउन साइड एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर, जी सर, आने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा, हो सकता है मार्केट एक दो तीन घंटे यहां साइडवेज बैठा रहे, पॉसिबल है कि साइडवेज बैठा रहे मार्केट और उसके बाद डाउन जाएगा, तो थोड़ा टाइम डाउन आने में ले सकता है, लेकिन आ जाएगा मार्केट डाउन, राइट है, देखो यहां पर डाउन चलेगा मार्केट, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहेगा, उसके बाद नीचे आएगा, आना है मार्केट को नीचे, इसलिए बाय मत करना गलती से भी, ये मार्केट यहां से नीचे चलेगा। सेलिंग प्रेशर कब बन जाएगा, यस अप्रोक्स इस पॉइंट के नीचे सेलिंग प्रेशर है, यस सर, राइट है, इसका अप्रोक्स यहां लगा दें, सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाएगा, सेलिंग प्रेशर या नहीं बताए, राइट है, पॉइंट है छोटे छोटे से, इनको पकड़ के चलेंगे, मार्केट मूव देगा आपको, लेकिन बस सोच समझ के, देखो अभी आया नहीं है सेलिंग प्रेशर, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए या नहीं, कम से कम, ठीक है, मिड पोर्शन लगा लें इसका और उसके नीचे मेरी क्लोजिंग होगी। अगर मैं यहाँ पर लाइन डाल देता हूँ, दोनों के लिए लाइन डाल देता हूँ मैं, तो अप्रोक्स लाइन मेरी कौन सी बनेगी, मैं ब्लैक से डाल देता हूँ, यस ये बनेगी अप्रोक्स, राइट है, इसकी लाइन कहां पर बनेगी, इसकी लाइन भी बताएं मेरे को कहां पर बनेगी, इसको भी ब्लैक से डाल देता हूं मैं, इसकी लाइन कहां अप्रोक्स यहां बनेगी। अब जब चले जरा पांच मिनट पे, क्या हो रहा है यहां पर, केवल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, है ना, मार्केट ने क्या शुरू कर दिया यहां पर, देखें जरा, ये चलना शुरू कर दिया सर, हमने क्या सोचा था, अच्छा हमने क्या सोचा था जरा बताए, क्या हमने बाइंग सोची थी क्या, नहीं सर, यस सर, सर निफ्टी 50 एम पैटर्न ब्रेक तो नहीं कर रहा है, भैया आप लोगों की बात मानता है, मैं तो बोला आप लोगों की बात मानता है, आपने बोला एम पैटर्न ब्रेक करना है, मार्केट करना शुरू हो गया,
मैं बोलता हूँ पैटर्न ब्रेक करे, मार्केट मानता ही नहीं है मेरी बात। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देखो बिजनेस हमेशा वही करते हैं जिनको नहीं पता होता, राइट है। देखो जो जो आदमी, देखो मार्केट डाउन चलना शुरू हो गया, यस आगे मुझे। अच्छा चलो एक बार बताओ, मार्केट कितनी देर वेट करा है मार्केट ने, बताओ मेरे को कितनी देर? घंटा, कम से कम घंटे भर, घंटा भर हमें बातें करनी पड़ी या नहीं, बताओ आराम से। एनालिसिस करना पड़ा, राइट है। मार्केट एंड पैटर्न ब्रेक करके हम नीचे चलने की कोशिश में है। मेरे को कौन बता रहा है कि गिरेगा मार्केट, यह बताएं कौन बता रहा है कि गिरेगा मार्केट? बड़ा टाइम फ्रेम में एक घंटा, जी सर। हम बाइंग साइड में नहीं गए, बाइंग साइड में मैं कब स्विच कर जाता, कोई भी बताए मैं बाइंग साइड में कब स्विच कर जाता? क्लाउड के ऊपर, यस सर, पिवट के ऊपर अगर चला जाता मैं सीधा स्विच कर जाता। मैंने अपने देखो एक दो क्वांटिटी हट गई होंगी, मैंने टारगेट लगाया हुआ था तो एक दो क्वालिटी मेरी हट भी गई होगी इसमें, देखो चल रहा है। कोई नीचे देखो ये टारगेट लगा हुआ है, मैं हटा देता हूँ इसको भी, इसका टारगेट का देखो नीचे कोई ऐसा लौट रहा है? ऑप्शन देखते कितना टाइम हो गया आपको मेरे साथ, लाइव क्लासेस कितने टाइम से ज्वाइन करी, काफी टाइम हो गया, मेरे को कभी देखा ऐसा लगाते हुए? नहीं सर, होता ही नहीं ना। नहीं। और फिर भी मैं सारे ट्रेड करता हूँ, सारे ट्रेड पॉजिटिव भी निकालता हूँ। देखो तीन ट्रेड है, तीनों के तीनों पॉजिटिव है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को काम कैसे करना है, बस वही था। मार्केट अभी देखो बड़े डाउन में आ सकता है, यस या नो? बड़े डाउन में आ सकता है मार्केट, ये इसकी कन्वर्स देखो, ये मिड पॉइंट सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया कि नहीं दोनों का? इसका शुरू हो गया ये, और इसका भी शुरू हो रहा है। इसके नीचे आपकी सेलिंग है मार्केट की, बड़ी सेलिंग, यस। क्या होना चाहिए बताएं? एक बड़ा डाउन एक्सपेक्टेड, राइट है, चलना शुरू हो गया मार्केट धीरे धीरे करके नीचे, इसे भी हटा देते, राइट। अब हमारा कुछ नहीं है, हमने अपने पैसे निकाल दिए, हमें पैसे कितने निकल गए? हमारे लगभग 1800 रुपए निकल गए। कितने ट्रेड माइनस? यस, एक दो तीन, तीन ट्रेड किए इनके बस, तीनों ट्रेड प्लस में ही है, राइट। अभी भी क्या मैं सेलिंग में जा सकता हूँ? क्वेश्चन है, क्या मैं सेलिंग में जा सकता हूँ अभी भी? हाँ या ना, जा सकते आराम से जा सकते यस। चलो फिर मैं क्लास को रोकता हूँ, आराम से करते रहिए, सोच समझ के करें, सोच समझ के करेंगे तो ट्रेड हमारे